नमस्कार बच्चों, बुनियाद क्लासेस के लिए मैं एसके सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि 99 तक की संख्याओं का वर्ग चुटकियों में कैसे निकाला जाए। इसके लिए हमें दो चीज़ों का आना ज़रूरी है। एक तो एक से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग हमें मूलजुबानी याद होना चाहिए। दूसरा, हमारा एक फार्मूला होता है ए प्लस बी की होल स्क्वेयर, जिसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, जब हम खोलते हैं तो बनता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो चलिए सीखते हैं हम कैसे 99 तक के संख्याओं का वर्ग आसानी से निकालेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा फार्मूला है a प्लस बी की होल स्क्वेयर। जब इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इस फार्मूले को वर्ग हेतु हम एक नए रूप में लिखते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। यहाँ पर a हमारा दहाई अंक का प्रतीक है और b हमारा इकाई अंक का प्रतीक है। मैंने इसको नए फॉर्मेट में खोल करके लिखा तो ये बन गया a की होल स्क्वायर डैश 2ab डैश b की होल स्क्वायर। आइए इस फार्मूले की मदद से सवाल को हल करते हैं। यहाँ देखिए, मैं 34 का वर्ग निकाल रहा हूँ, जहाँ पर 3 a है और 4 b है, यानी कि 4 जो इकाई अंक है वो b है और a जो कि दहाई है वो 3 है। जब मैंने सूत्र के अनुसार इसको एक्सपेंड किया तो मैंने 3 का वर्ग किया डैश 2 गुणा 3 गुणा 4, जहाँ 3 और 4 a और b हैं। फिर मैंने डैश करके 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग करने पर मुझे मिला 16, 2 गुणा ab करने पर मिला 24 और a का वर्ग करने पर मिला 9। इस तरह हमें 3 अलग अलग बॉक्सेस में संख्या प्राप्त हुई है, 9, 24 और 16। 16 हमारा इकाई के बॉक्स में पड़ता है, 24 हमारा दहाई के बॉक्स में पड़ता है, 9 हमारा सैकड़े के बॉक्स में पड़ता है। अब हम करते ये हैं कि अपने इकाई के बॉक्स में से इकाई का अंक रख लेते हैं और उसका जो दहाई का अंक यानी कि जो 1 है उसे कैरी के रूप में दहाई वाले बॉक्स में ले जाते हैं। जब इकाई के 1 के बॉक्स से कैरी जाता है तो वो जाके 24 में जुड़ जाता है और 24 से वो हो जाता है 25। अब 25 में फिर हमारे पास दहाई के बॉक्स में 2 अंक हैं, तो अगेन हम इसके इकाई अंक को यानी कि 5 को रख लेंगे और इसके दहाई अंक पे जो 2 आया है उसे हम सैकड़े वाले बॉक्स में ले जाएंगे और इसे वहाँ पर ले जाकर जोड़ देंगे। इस तरह से हमें इकाई के बॉक्स में मिलता है 6, दहाई के बॉक्स में मिलता है 5 और सैकड़े के बॉक्स में मिलता है 11। अब हम इन अंकों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं तो हमारे पास जो संख्या बनती है वो होती है 1156। यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए और अभ्यास करते हैं ताकि हम अपनी समझ को बढ़ाएं। अब मैंने यहाँ ऊपर अपने फार्मूले को भी लिख रखा है, ए बी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 2ab, फिर ब्रैकेट बी स्क्वायर। अब देखिए, हम 78 का वर्ग निकालने जा रहे हैं। 78 में 8 है इकाई का अंक और 7 है दहाई का अंक, यानी कि 8 है बी और 7 है ए। फार्मूले के अनुसार मैंने 7 का वर्ग किया, उसका फिर उसको अलग कर दिया, फिर किया 2 गुणा 7 गुणा 8 यानी कि 2 गुणा ए गुणा बी, और फिर मैंने ए का वर्ग किया यानी कि 8 का वर्ग किया। 8 का वर्ग करने पर हमें मिला 64, 2 गुणा 7 गुणा 8 करने पर मिला 112 और 7 का वर्ग करने पर मिला 49। अब मैं करता ये हूँ कि इकाई के ब्रैकेट में जो 64 है उसके 4 को इसी बॉक्स में रहने देता हूँ और जो 6 है उसे दहाई के बॉक्स में ले जाकर जोड़ देता हूँ। तो दहाई के बॉक्स में जाकर ये इसको 112 जमा 6 बन गए 118। फिर मैंने इस 118 के 8 को दहाई बॉक्स में रख लिया और यहाँ पे से जो 11 है वो हासिल के रूप में 100 वाले बॉक्स में चला जाएगा। इस तरह से 49 जमा 11 बन जाएंगे 60 और फाइनली हमारी जो संख्या बनेगी वो होगी 6084। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, 59 का वर्ग निकालते हैं। यहाँ पर 59 में 5 हो गया ए और 9 हो गया बी, यानी कि 9 है इकाई का अंक और 5 है दहाई का अंक। मैंने 5 का वर्ग रखा 100 के बॉक्स में, फिर 2 गुणा 5 गुणा 9 रखा दहाई के बॉक्स में और 9 का वर्ग रखा इकाई के बॉक्स में। इकाई के बॉक्स में मुझे प्राप्त हुए 9 का वर्ग 81,
दहाई के वर्ग में मुझे प्राप्त हुआ 2 × 10 × 9 = 90। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम निकालेंगे 59 का वर्ग। 59 में 9 हमारा इकाई का अंक है और 5 हमारा दहाई का अंक है। फार्मूले के अनुसार जब हम ए बी की होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, फिर 2 × 5 × 9, फिर 9 का स्क्वायर। इस तरह से हमें इकाई के बॉक्स में प्राप्त होंगे 81, दहाई के बॉक्स में प्राप्त होंगे 90 और सैकड़े के बॉक्स में प्राप्त होंगे 25। अब हम इकाई के बॉक्स में से एक रख लेंगे और जो दहाई का अंक है 8 उसे कैरी के तौर पे दहाई वाले बॉक्स में ले जाएंगे। वहाँ पे जाके ये जुड़ के उसे 98 बना देगा। फिर उस 98 में से हम 8 को रख लेंगे और 9 को कैरी लेकर 100 वाले बॉक्स में ले जाएंगे। तो 25 + 9 हो जाएंगे 34। तो अंत में जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 3481। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। हम निकाल रहे हैं 88 का वर्ग। हमने ए स्क्वायर की जगह किया 8 स्क्वायर, 2ab की जगह किया 2 × 8 × 8 और 20 स्क्वायर की जगह किया 8 स्क्वायर। तो मुझे इकाई बॉक्स में मिले 64, सैकड़े के बॉक्स में मिले 64 और दहाई के बॉक्स में मिले 128। अब मैं इकाई के बॉक्स का 4 रख लेता हूं और 6 दहाई के बॉक्स में ले जाकर जोड़ देता हूं। जैसे कि इसमें आप छोटा सा उसमें भी देख रहे होंगे, तो मैंने 128 + 6 कर दिए 134। 134 का 4 मैं रख लूँगा और 13 को कैरी के तौर पे ले जाऊँगा जो कि 64 में जाके जुड़ जाएगा। तो 64 + 13 बन जाएंगे 77 और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 7744। चलिए इसी तरह 65 का वर्ग निकालते हैं। 65 में इकाई अंक पे है 5 और दहाई अंक पे है 6। तो मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको कर लिया 6 की स्क्वायर, फिर 2 × 6 × 5 और फिर 5 की स्क्वायर। मुझे इकाई बॉक्स में मिला 25, दहाई बॉक्स में मिला 60 और सैकड़े के बॉक्स में मिला 36। मैंने इकाई बॉक्स का 5 रख लिया और 2 को कैरी में ले गया तो ये बन गया 62। 62 का 2 रख लिया और कैरी में ले गया 100 वाले बॉक्स में 6, तो 36 + 6 हो गए 42। तो फाइनली जो हमारी संख्या प्राप्त हुई वो हुई 42 25। बच्चों शायद आपने गौर किया होगा कि 65 का जब हम वर्ग निकाल रहे थे तो इसमें पीछे आया है 25 और आगे आया है 42। अगर हम गौर से देखें तो 5 × 25 और 6 × 7 = 42 होता है। वास्तव में ये हमारे लिए एक नई ट्रिक है जिसे मैं आगे बता रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 हो उनके वर्ग को और तेजी से कैसे निकाला जाए। देखिए जैसे 85 का वर्ग होगा 72 25, 15 का वर्ग होगा 225। बच्चों इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो है ए 5 की होल स्क्वायर, यानी कि 5 जहाँ पर इकाई प्लेस में और ए दहाई का अंक है। और जब इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करते तो हमारा फार्मूला बनता है a × a+1 - 25, जहाँ पे 25 पीछे रखा जाएगा और आगे a × a+1 रखा जाएगा। जैसे मैं 45 का वर्ग निकाल रहा हूँ तो 45 में मैं पहले 2 अंक रख लूँगा 25 और उसके बाद में 4 के बाद मुझे पता है कि आता है 5, तो 4 × 5 हो जाता है 20। तो हमारा आंसर हो गया 2025। इसी तरह मैं 75 का वर्ग निकालता हूँ तो 75 में मैं पीछे रख लूँगा 25 और फिर 7 × 8 हो जाएगा 56, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5625। मैं 95 का वर्ग निकालता हूँ तो 95 में आगे के 2 अंक हो जाएंगे 25, फिर मैं 9 × 10 = 90, आंसर हो जाएगा 9025। इसी तरह 35 का जब मैं वर्ग निकाल रहा हूँ तो 25 × 3 × 4 = 12, तो आंसर हो गया 1225। 115 का जब मैं वर्ग निकाल रहा हूँ तो पीछे लिख लूँगा 25, 11 × 12 = 132, तो आंसर हो गया 13225। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ की परख होती है जांचने से। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, जरा इसका वर्ग निकाल के बताइए। तो जी इसका आंसर होगा बी 1369। आपके लिए एक और अभ्यास समस्या दी गई है, मैं इसे हल नहीं करूंगा, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। आपके पास 1 मिनट का समय है, बताइए इसमें से कौन सी संख्या या कौन सा उत्तर गलत है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। कृपया अपनी बहुमूल्य राय देकर और हमारे चैनल को लाइक करके इसका परिचय दीजिए। और आप भविष्य में किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।